प्रणाम जी वर्णन हो रहा है दिव्य परम धाम का अर्शे शिव का हमारे निज घर का अपनी आत्म दृष्टि को शिवराजी की मेहर उनके जोश के बल पर परम धाम लेके चलते हैं। ठीक मध्य में आते हैं जब भूम पर ऊंचे चबूतरे पर रंग महल शोभा माने नौ भूम दसवीं काशी का रंगमहल रंग महल रंग के मुख्य द्वार पे आते हैं मुख्य द्वार के सामने दो मंदिर की चौक में खुद को महसूस करते हैं आप शेराज श्यामा जी और सखियों के संग शेराज जी की मेर से यहां खुद को महसूस करते हैं आप शेराज श्यामा जी और सखियों के संग रंगमेल का मुख्य दरवाजा धाम दरवाजा दो मंदिर की चौक में खड़े हैं और सामने सो सीढ़ियां बीस चांदो सहित सीढ़ियों के दोनों और सुंदर स्वर्णिम कठेड़े कठेड़े रेलिंग की शोभा स्वर्णिम रेलिंग की शोभा और सुंदर सीढ़ियां विशाल धाम की सीढ़ियों पे अति सुंदर सीढ़ियों और चांदी पर अलग अलग आया है प्रत्येक पांचवी सीढ़ी के आगे ही चांदी की शोभा है तो यहाँ से सौ सीढ़ियां बीस चांदों सहित उतरते हैं उतरते वक्त सीढ़ियों की नरमाई कोमलता की कोमलता उनकी चेतनता को महसूस करें दोनों और कठेड़ों में आए सुंदर चित्रामन चित्राम आपके साथ साथ ही सीढ़ियां उतर रहे हैं के के संग जी के संग चांदनी चौक में है और चलना इस अग्नि कोने और ये नैत्य कोने ये देखिए अग्नि कोने और नृत्य कोने के मध्य ये जो पंद्रह सौ मंदिर आए हैं रंग महल के इनके ठीक सामने दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी की शोभा है तो वहां चलना है बट पीपल की चौकी में रमन करने चलना है घोड़ों पे असवार होकर अमृतवन की शोभा देखते हुए आगे जाम्बूवन की शोभा और नारंगी वन की चांदनी के ऊपर आए। तीनों वनों की चांदनी अति सुंदर फूलों की बिछी हुई चांदनी अब नारंगी के बिल्कुल ठीक इधर की तरफ यह नारंगी दो भोम तीसरी चांदनी का है नारंगी की ठीक पश्चिम दिशा में ये देखिए बट पीपल की चौकी है तो बट पीपल की चौकी की चांदनी पर उतरते हैं बट पीपल की चौकी की चांदनी चार भूम पांचवी चांदनी आई है और यहां से सीधा रंग मैल की निरत की भूम में जा सकते हैं तो सबसे पहले उतरते हैं घोड़ों पे असवार होके अमृतवन जाम्बूवन नारंगी वन की अपरम पार मनोहारी शोभा देखते हुए बट पीपल की चौकी पर उतरते हैं बट पीपल की चौकी की चांदनी पर बट पीपल की चौकी की चांदनी पांच सौ मंदिर की यूं चौड़ी दक्षिण दिशा में और रंग महल के साथ पंद्रह मंदिर की लंबी चांदनी के कोनों में छह बच्चे आए हैं जिनसे उठते फुहारे देखिए चांदनी की शोभा देख के मान लो फूलों की चारों में फुवारे छह बच्चों की शोभा उनसे उठती जल की बूंदियां चांदनी की शोभा देख के तले की भूमि में आए तो तले की भूमि में देखेंगे आड़ी खड़ी नहरों के मध्य चौक बने हैं जिन चौकों में एक में बट और एक में पीपल का वृक्ष आया है पांच की पंद्रह हार चौक एक में बट और एक में पीपल का वृक्ष आया है ये देखिए चौकों की अपरम्पात शोभा चारों दिशाओं में नहरी, चारों कोनों में चह बच्चे ठीक मध्य में कमर भर ऊंचे चबूतरे पर वृक्ष की शोभा एक बट का वृक्ष एक पीपल का वृक्ष व्रिख। इन वृक्ष की डालियों ने आपस में मिलान कर लिया और जहां मिलान किया वहां सुंदर हिंदोले चौक में नूरी रेती बिछी हुई चारों कोन चारों कोनों में चे बच्चे चारों दिशाओं में निर्मल जल की नहरें और मेहराबों में हिंडोले आप श्री राजश्यामा जी और जब इन हिंडोलों में झूलते हैं तो नीचे नहरें चे बच्चे चलते हैं चार भूम पांचवी चांदनी इन बट पीपल की चौकी की आप श्री राजमा जी और जब बट पीपल की चौकी में आते हैं तो उन समय के समा को महसूस करते हैं कितना सुगंधी का आलम शीतलता चेहरे नहरी चे बच्चों के ऊपर झूलना और राज श्यामा जी का साथ सखियों का साथ बारिश की महीन महीन बूंदियां और उन समय में आके पशु पक्षियों का उमड़ उमड़ के दीदार करना पियू पीहु तुही तुही की गुंजार करके एक समा जिसमें सखिया श्री राज श्यामा जी की नजरों से नजर बांध के झूलों का आनंद लेती हैं बट पीपल की चौकी के सुख लेती हैं धाम के अखंड सुख लेती हैं इन सुखों को रूह की आत्मिक नजर से चेतन से ही महसूस किया जा सकता है